सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालचंद जगदाड़े, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बरवाला के आश्रम में सन 2014 में 14 जुलाई को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे, कि आपके परिवार वाले क्या साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा परिवार, मतलब मेरे माता और पिता, जो मैं मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मेरे माता पिता 31 साल से राधा स्वामी संत जो है वहाँ पे, और माँ ठाकुर सिंह महाराज की भक्ति करती थी। और मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि सबसे ज़्यादातर मैं साई बाबा को बहुत मानता था। मैं साई बाबा की हर साल पदयात्रा में जाना, और गणपति जो बोलते हैं महाराष्ट्र में गणेश भगवान, उनकी जो साधना थी मैं वो ज़्यादा करता था, उनका एक भी उपवास में छोड़ता नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार 30 साल से राधा स्वामी पंथ में संत ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा था, आप भी देव देवताओं की भक्ति कर रहे थे, गणपति जी को मानते थे, और साथ साथ में साईं बाबा की जो भी पदयात्रा निकलती उन सभी यात्राओं में आप शामिल होते थे, यहाँ तक कि आपने व्रत उपवास भी किए। सर इतनी सारी भक्ति आप कर रहे थे, आपका परिवार भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर इतनी साधना करने के बाद भी मैं जब मेरे दोस्तों के साथ शिरडी जाता था तो मेरे बाकी के दोस्त कोई, मतलब जो चीज़ें करने नहीं चाहिए भक्ति मार्ग के लिए वो सब करते थे, मतलब बीड़ी शराब कुछ भी खाना वो सब करते थे, और उनको भी कुछ भी लाभ मिलते रहते थे। और मैं एकदम बिना चप्पल के वहाँ पे जाता था, फिर भी मेरे पैरों में बड़े बड़े फोड़ आते थे, मैं परेशान हो गए थे। कि मैं साहिबों को कहता था कि अगर आप इतना इनको लाभ दे रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों? तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी जम रही, तो हमको एक पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पर एक उनकी पूजा करवाओ, फिर उनकी शादी जम जाएगी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई और माता पिता जी ने, उन्होंने ऐसे सोचा कि अपने दो पैसे बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे जलगांव की तरफ एक आमलर में एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे वो साधना कर ली, वहाँ पे वो पूजा करवा दी। लेकिन फिर भी उसकी 6 महीने बाद तक उसकी शादी नहीं जमी। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर महादेव भगवान उधर है तो फिर आमलर में भी होंगे, जलगांव में भी होंगे, नासिक में भी, तो वही भी ऐसा कैसा, ये तो नहीं होना चाहिए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? तो सर तब मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो सर उसी टाइम हमारे मामा हैं, मामा वो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सभी सत्संग देखने शुरू किए। वो हमारे घर में आए, उन्होंने सभी सत्संग देखते देखते मुझे भी कहने लगे कि भाई तू एक काम कर, तू भी ये देखते जा, ये तो मोक्ष का मार्ग है। तो मैं उनको कहने लगा कि तुम कुछ भी लेके आते हो, ऐसा कहा मोक्ष भिक्ष ये तो सब बकवा दे, बाबा और लोगों की चाल है, आप तो कुछ भी बता रहे। लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ से कहा, मेरी माँ ने भी नाम ली। फिर मैंने मेरी माँ से इतना प्रखर विरोध किया कि मैंने मेरी माँ को 2 टाइम का खाना भी घर में मुश्किल कर दिया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। लेकिन एक दिन मैंने, मामा मुझे बोले कि भाई तू खुद तो सही भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम तू जो तेरी माँ सही भक्ति कर रही है वो तो कर। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ अगर सही भक्ति कर रही है, अगर संत रामपाल जी महाराज आप बोलते कि ये सही भगवान है, इनके प्रमाण, इनका प्रमाण दिया है कि यही भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज क्या मुझे नौकरी दिला सकते हैं? मैं सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत जगह पे घूम के आया, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं, और मुझे पता है कि अगर मैं कल इंजीनियर भी बन जाऊँगा तो कल फिर भी मेरे मन जैसे नहीं होगा, तो क्या मेरे को आपके संत रामपाल जी महाराज कहीं पे नौकरी लगा सकते, गवर्नमेंट में लगा सकते? तो बोले कि एक काम कर, तू पहले तो अपनी माँ को है ना विरोध करना बंद कर दे, और दूसरी बात अगर तुझे ये हम जो कह रहे हैं ये प्रमाणित ज्ञान परमात्मा जो बता रहा है संत रामपाल जी महाराज, ये अगर तुझे झूठ लग रहा है तो तू एक काम कर, पहले 1 साल सिर्फ परमात्मा पे, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास रख और करके देख। तो मैंने उनको बोला चलो भी ठीक है, मैं आप अगर बोलते हैं कि ये सही ज्ञान है, तो मैं भी ये ज्ञानगंगा पुस्तक वो लाए थे, मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया था, तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी पढ़ के देखते हैं। मैंने उनको कहा फिर कि मामा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल तक ये भक्ति करूँगा,
अगर आपके संत रामपाल जी महाराज ने मुझे एक साल के अंदर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरी घर की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मेरे को दो टाइम का, सुबह अगर घर में मेरे माँ बाप जाते हैं काम को तो शाम को मुझे क्या मिलेगा खाने को, ये मैं सोच में गिर जाता हूँ। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज मेरे सब दुख निवारण कर सकते हैं, मुझे नौकरी लगा सकते हैं? वो मुझे बोले कि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। और वो भी मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो हमारे सभी जो धर्म के शास्त्र है उसमें लिखा है। तो मैंने कहा भाई चलो इस बार मैं तुम्हारा सुनता हूँ। और मैं उनके साथ बरवाला के आश्रम में 14 जुलाई 2014 को गया और संत रामपाल जी महाराज जी उनसे दीक्षा ली। सर जैसा कि आपकी बातें आपके मामा जी से जो हो रही थी, जो हम कह सकते हैं कि एक शर्त लगी थी, या फिर हम कहें कि परीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और आपकी शर्त ये थी कि यदि संत रामपाल जी महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं तो आप मान लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और आपने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, तो आपके मामा जी ने जो आपको विश्वास दिलाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपको 100% जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा, तो आपकी क्या वो इच्छाएं पूरी हुई? हाँ सर, ये मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, क्योंकि इसका कारण है जब मैंने मेरे मामा को कहा कि अगर ये भक्ति मार्ग में आने के बाद सही साधना आप जो कह रहे हैं ये साधना मैंने संत रामपाल जी महाराज से लेकर की, अगर फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये नाम देने के बाद मैंने 3 महीने तक इसको इस भक्ति को किया, और 3 महीने बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैं बरवाला आश्रम में मिलने के लिए गया। तो मैंने जब वो सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे तो मैंने उनको कहा, वो पास आए और मैंने बोला कि अगर आप सही भगवान हैं, सभी कहते हैं, मैंने भी मान लिया है, लेकिन मेरे को कुछ चमत्कार दिखाओ कि आप पूरे परमात्मा हो। अगर आप भक्त, अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये सच्चा भगत है, ये भगत है, तो मेरे को चमत्कार दिखाओ परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए और हंसे और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को इस तरह का जैसे कि मेरा अंग पूरा एकदम ढीला हो गया, सभी मेरे टेंशन दूर हो गए, ऐसा लगा। और उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार किया और वहाँ से मैं पीछे आया, तो बस 10 मिनट बाद मेरे बड़े भाई का मुझे फ़ोन आया और उसने मुझे कहा कि भाई तू जरा 2-4 दिन पहले हरियाणा से रिटर्न चला, क्योंकि तुझे एक बम्बई हाईकोर्ट से एक ऐसी ऐसी पोस्ट है, मतलब प्यून की पोस्ट थी, उसके लिए कॉल लेटर आया है, तू अगर जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला, परमात्मा को दंडवत किया, संत रामपाल जैसी महाराज वहाँ से शाम का भोजन किया और रात की गाड़ी से मैं वहाँ से निकला। तो उसके 1 महीने बाद मेरा जो बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में है तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया, सभी टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं तो पहली बार तो यही डर गया था कि 40,000 लड़के थे, इन लड़कों में सिर्फ मैं 12वीं पास लड़के क्या कर सकता हूँ। लेकिन 12वीं पास के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया रखी कि मुझे लगा भी नहीं कि मैं 12वीं पास हूँ, और मैं 12वीं की 12 की परीक्षा पास होने के बावजूद मैं पास हो गया वहाँ पे। और उसके बाद बरवाला कांड हुआ, बरवाला कांड होने के बाद मेरे सभी दोस्त, मेरे लोग, रिश्तेदार मुझे फ़ोन करके बोलने लगे, आजू बाजू के लोग बोलने लगे भाई तू तो फंस गया है, तू तो दोनों तरफ से फंस गया, तू तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला गया, वो तो जेल में चले गए, और तू तो इधर अपनी सभी देवताओं की जो भक्ति वो भी तूने छोड़ दी, तू ऐसा क्या कर रहा है, तूने ये तो गलत कर दिया, तू तो अब तो फंस गया। लेकिन मेरा विश्वास था कि तब तो मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने सामने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया तो ये गलत तो नहीं हो सकता। तो उसी टाइम मैं परमात्मा की भक्ति करता रहा, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर, सही साधना जो प्रमाणित ज्ञान है वो मैं करता रहा। और उसके बाद बरवाला कांड होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जेल में जाने के बाद भी 9 जनवरी 2015 को जो बॉम्बे हाईकोर्ट की प्यून सिपाही की जो लिस्ट लगी उसमें मेरा नंबर आया, उसमें भी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई तू ये तेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तू कुछ फ़ायदा नहीं तेरा जाके। तो मैं ज़रा डर गया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सामने चमत्कार दिखा है वो तो गलत नहीं होगा। तो उसके 8 दिन बाद मैं थोड़ा 8 दिन तक नाराज़ रहने लगा, फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ है, तो मेरी माँ से मैंने कहा कि जो लिस्ट लगी थी माँ उसमें मेरा नाम नहीं है। तो माँ ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, तू एक बार कर फिर से उस लिस्ट को चेक कर। तो मैं उस लिस्ट को चेक करने के लिए गया, तो मैंने 2 बार लिस्ट को चेक करने के बाद भी मुझे उस लिस्ट में मैं अपना नाम दिखा नहीं, और मैं बहुत नाराज़ हुआ, रोया और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि सतगुरु रामपाल जी महाराज आप तो
हर एक जीव के ऊपर दया कर दो तो मेरे ऊपर भी दया करो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करने के बाद बस 10 मिनट बाद मैंने उसी लिस्ट को देखा तो मेरा उस लिस्ट में 35 नंबर पे नाम आया और मैं उस पोस्ट के लिए पात्र बन गया। 40,000 जो फॉर्म आए थे लड़के थे उनमें से मैं 35 नंबर पे सिलेक्ट हो गया। ये सदगुरु रामपाल जी की दया थी कि जो मैं उस लिस्ट में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर जी ये तो हुआ अपना मतलब आर्थिक लाभ जिससे मेरे परिवार में थोड़ी परिस्थिति अच्छी हुई, लेकिन इससे बड़े बड़े लाभ मुझे फिर मुझे और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छे से समझने लगा, मैं उनके सत्संग सुनने लगा। तो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था तो मुंबई में तो सभी को पता ही है कि लोकल में बहुत सी मतलब आदमी की परेशानियाँ रही थी। तो मैं लोकल में से एक दिन ट्रैवलिंग कर रहा था तो भारी भीड़ के कारण मैं उस लोकल में से बाहर गिर गया। तो उस टाइम में जब प्लेटफॉर्म में इतनी स्पीड से लोकल भाग रही थी सीएसटी की तरफ, मैं वासी से बैठा था खड़ा था और मैं गिर गया तो मुझे ऐसे लगा और सभी को लगा कि अब तो ये मर ही गया, अब तो ये कट जाएगा। लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई उठा रहा है और मैं 2 मिनट तक मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं खुद मर गया क्योंकि मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं थी। मैंने परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास की कि ये मालिक संत रामपाल जी महाराज आज ये क्या हो गया, मैं कैसे गिर गया आज। बस उसी टाइम मेरे अंदर शरीर में ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसी शरीर में प्रेरणा हुई कि सभी लोग देखते रह गए और चिल्लाने लगे कि अरे उठा उठा। उनके पहले वो आने से पहले ही मैं उठ के खड़ा रह गया और अपने कपड़ों को ऐसे झटका, बस जो धूल थी वो झटक ली और उसके बाद वाले लोकल पकड़े और उसी दिन ड्यूटी पे भी गया। ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी कि उस दिन में मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। उसके बाद एक बार मैं मनमाड़ से मुंबई के लिए जा रहा था तो ट्रेन में मैं ज़रा कॉर्नर पे ही खड़ा था भारी भीड़ के कारण, तो कुछ लोगों में हाथापाई हो गए तो उन्होंने हाथापाई में मुझे ढकल दिया। तो मैं उस दिन बड़े बड़े लोखंड पे जो प्लेटफॉर्म से आगे थे पटरी जो जिसे कहते ना उस पे जोर से गिरा, तभी भी आरपीएफ टीसी सभी जोर जोर से भाग के आए और उनको लगा कि अभी चलो भाई ये तो मर ही गया होगा। तो जब वो मेरे पास आते तो मैं उनके सामने खड़ा रहा और उनके सामने मैंने जब मुझे तभी वैसी फीलिंग हुई, वैसे लगा कि मुझे संत रामपाल जी महाराज खुद आकर वहाँ से उठाया। उस टाइम मुझे ये खरोच तक आई नहीं, उसी टाइम मैंने परमात्मा का नाम लिया और उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि बस अगर इस धरती पे पूर्ण संत है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है, क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते कि इस धरती पे अगर कोई संत है या फिर कोई उनके जो कुछ अनुयायी होंगे वो नहीं बताते, ये तो हमारे जो शास्त्र है ये बताते हैं कि आज धरती पे सिर्फ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही है जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। सर मेरी मैं तो वैसे प्रॉपर नासिक से हूँ लेकिन मेरी जॉब मुंबई हाईकोर्ट में लगी थी तो मैं अप डाउन करके या फिर और आर्थिक थोड़ी सी परेशानी से परेशान हो गया था तो मैंने संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया, वहाँ पे बताया कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी 2 साल से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं है, सब जीरो है तो क्या होगा। और बस उसके 1 महीने बाद ही संत रामपाल जी की महाराज की दया से मेरी नासिक जिले में ट्रांसफ़र हो गई। आज मैं अपने जिले में ही अपने घर से सिर्फ 8 किलोमीटर पे अपनी जॉब कर रहा हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं सकता लेकिन उनके ये दास मतलब विनती करेगा कि अगर इस धरती पे कोई पूर्ण परमात्मा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, और ये बाकी के लोग नहीं कहते, ये हमारे जो हमारे घरों में शास्त्र है जिनको हमने आज तक कभी खोला नहीं वो कह रहे हैं। इतना ही कि हमें जो बाकी नकली जो गुरु बता रहे उनके वो जो पढ़ रहे धर्म ग्रंथ हमारे उसी में परमात्मा बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए वही पूर्ण परमात्मा है और वही हमें हम सबको मोक्ष दिला सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा जी। धन्यवाद।